रखा कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो जितने मेरे साथी हैं, क्योंकि तो कार्यकर्ता शब्द बहुत गलत है, मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, मैं इसका श्रेय इनको देना चाहता हूँ। इनको बधाई देता हूँ कि फोन ये मीटिंग, पब्लिक मीटिंग, ये रैली, ये एक फ़ोन की मीटिंग थी। मेरे को 12 तारीख को, पहले मैंने प्रोग्राम था 24 का कि भी ठीक है 24 को करेंगे, पर बीच में कैंसिल हो गया था कि भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे। तो 12 का आदेश आया 12 तारीख को, हमने फ़ोन की हमारी मीटिंग थी, और इसमें जितने मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, सारे छोटे हैं बड़े हैं, इनको मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो आज की सफल रैली का, उसमें सबसे ज़्यादा इन साथियों को बधाई है। मेरा इसमें कोई ज़्यादा, मेरी ज़्यादा मेहनत, ईमानदारी से मेरी मेहनत हुई थी, इनकी ये मेहनत थी, इन्हीं की मेहनत के ऊपर ये सफल हुआ, इसके लिए इन सबका धन्यवाद। और रहा आज उसके बारे में, तो आप देखोगे, आपकी मीडिया की नज़र है कि कैसा रहा, पर ये आज साबित होगा कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग है। जिस तरीके से आपने देखा, गांव से जब ट्रैक्टर और ट्रॉली में निशान बंदे निकलते हैं ना, तो वो सोच लो कि बदलाव की रैली है। तो ये अब बदलाव का समय आ गया, बीजेपी को लोगों ने नकार दिया। और आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मेरे हिसाब से झज्जर पूरे जिला से, मैं अपने बादली हल्के की बात करता हूँ, बादली हल्के में जो भी बीजेपी का कैंडिडेट आएगा, उसकी जमानत हम जब्त करेंगे। मैं तो आज ओम प्रकाश दर्शन को चैलेंज फिर दिया कि भाई बादली हल्के को छोड़ के बंटवा लो, अगर तू जिस भी कोने से लड़ना चाहता है मैं तैयार हूँ, जहाँ से कब पार्टी मेरे को इलेक्शन लड़ाएगी मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। पर जहाँ आज मैं सबसे बात, आप सारे पढ़े लिखे हो, मीडिया तो एक तीसरी आंख है, जो इन्होंने हमारे प्रदेश में, देश में जिस तरह के अराजकता का माहौल इन्होंने पैदा किया, वो देश के लिए भी अच्छी नहीं है, और वो हमारे हरियाणा के लिए भी अच्छी नहीं है, और किसी गांव की बात हो, किसी गांव के लिए भी नहीं। तो लोग समझ चुके कि ये किस प्रकार की पार्टी है, ये भाईचारा तोड़ो और राज करो, अंग्रेज़ों ने अलग बात है फूट गिरो राज करो, ये नियुक्ति रहती है। पर मैं लोगों से भी एक ही बात कहता हूँ कि भाई हम सब एक, जब हमारे साथ भगवान ने भेदभाव नहीं किया बनाने में, तो हमारा कौन सा, हमने कौन सा अधिकार किसने दे दिया कि हम ये आपसी जहर घोल के एक दूसरे को भाई से लड़ाएं। तो मैं लोगों से भी कहता हूँ कि भाई ऐसे जो कुछ छोटी राजनीति के जो भी नेता आपके बीच में आए, ऐसे लोगों को जूत मारो, और अपने भाईचारे को कभी कोई ख़राब नहीं करना चाहिए। राजनीतिक ये अपने तरीके के लिए करते हैं, और अपने स्वार्थ की इनकी राजनीति है, ना कि कोई वो उन्होंने किसी जाति से मतलब नहीं, किसी मज़हब से मतलब नहीं, इनका सिर्फ एक ही है कि भाई अपना उल्लूसू दावा, अपना MLA बनने के लिए, किसी की सांसद बनने की इनकी ये सोच होती है। तो मैं तो लोगों से भी ये कहता हूँ कि भाई ऐसी सोच, इनकी सोच को नकारो और इनको झूठ के मारो, कोई भी हो चाहिए। मैं ये नहीं कहता मेरी कांग्रेस पार्टी का भी कोई ऐसी बात करता है, तो कुलदीप वत्स भी ये बात करे कि भाई जातिवाद का कोई जहर बोले, कोई लोगों को गलत गुमराह करे, तो वो देश के या प्रदेश के या गांव के दोस्त भी वो दुश्मन होते हैं, ऐसे आदमी से बचना चाहिए। और मैं आज की जो मीटिंग की जो रैली की बात थी, ये मेरे बादली हल्के के मेरे साथियों ने ये साबित कर दिया कि ओम प्रकाश धनखड़ के हम जमानत जब्त करेंगे, और इसको जल्दी ही जिस तरीके से आया था, जितनी स्पीड से यहाँ आया था, उसी स्पीड से इसको वापस इसके घर भेजेंगे। मैं इसी मेरे साथियों ने ये संकल्प लिया है, दीपेंद्र हुड्डा जी का जो इलेक्शन है, हम अपने बादली हल्के से बहुत अच्छी लीड, मतलब मैं बहुत अच्छी लीड की बात करता हूँ, बहुत अच्छी लीड दे के इनको हम विजय बनाएंगे। एम्स 2 की बात की जाए तो एम्स 2 को मनेठी में शिफ्ट कराने जा रही है प्रदेश सरकार, तो उसके बारे में कहें। देखिए, मैं संजय जी, एक बात, हम विकास विरोधी नहीं है, हम विकास चाहते हैं, और वो भी हमारे प्रदेश का एक हिस्सा है, वो भी हमारे लगता हुआ हमारा घर, हमारा इलाका है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। पर जो हमारा एम्स, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने, हुड्डा साहब ने बड़ी मेहनत करके यहाँ लेके आए, तो हमारा हिस्सा यहाँ से उठा के अगर वो रिवाड़ी में ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमको ले जाएंगे, तो इतना कमज़ोर तो हम है नहीं कि हमारी कोई चीज़ नहीं उठा के ले जाए। हाँ, वो भी हमारे भाई हैं, उनको उनका बनाओ, अच्छी बात है। वो जब मेरे प्रदेश में कोई विकास होता तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशी क्या है। जहाँ इस एम्स की बात है, दीपेंद्र हुड्डा जी ने बड़ी मेहनत से
लगन से। मैं आज दीपेंद्र हुड्डा जी का कोई मतलब मैं किसी के दबाव की राजनीति नहीं करता कभी भी, मैं सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा की एक बात से कदर करता हूँ और भूपेंद्र हुड्डा की एक कदर से बात करता हूँ। क्योंकि कारण क्या है, इनकी एक सोच क्या है, इनका एक विजन है कि मैं प्रदेश में मैं जितना एक आदमी दिन रात अपने परिवार को छोड़ के दिन रात रोडों पर रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, क्या स्वार्थ है, सिर्फ ये स्वार्थ है कि मेरे हल्के में इलाके में काम हो, मेरे प्रदेश में काम हो। और बीजेपी की सोच क्या है, बीजेपी की सोच सिर्फ झूठ लूट और फूट और कसूट, इनकी ये सोच है, ना ये किसी अपनों के ना ये किसी दूसरों को, इनका काम है ये भाई अपने स्वार्थ के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं एम्स की जहाँ बात आएगी तो हम डट के मुकाबला करेंगे और हमारी चीज़ है, हमारा हक है, हम अपने हक को यहाँ से एक इंच भी कहीं नहीं जाने देंगे, एक इंच भी जाने देंगे, हमने कोई भी संघर्ष करना करो। यही आपकी बात, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, एम्स टू की बात करते यहाँ से उठाने की बात करते। आज तारीख होगी 24 और 4 और 5, 9 दिन है ये देश में, 9 दिन की गवर्नमेंट, 9 दिन के बाद समय हमारा होगा और हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी बनेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, तो इनकी कोई औकात नहीं। हाँ, ये सच्चाई है जो इन्होंने मंजूर किया है, ये मंजूर तो कर देते हैं, इन्हें कोई ना आज तक मंजूर किया, पर कोई ने मंजूर कर किया है इलेक्शन टाइम में, राव इंद्रजीत जी ने करवाया, मैं राव इंद्रजीत जी को बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि अपने हल्के में उन्होंने किया, तो मैं बधाई देता हूँ, जो भी अच्छा काम करता है उसको बधाई देनी चाहिए, पर इनके बस अब दोबारा इन्होंने आना नहीं। और हम ये वादा करते हैं जिस तरीके से इन्होंने हमारा एम्स को रोका था 5 साल, हमारे विकास नहीं किया, हम वादा करते हैं जैसे हमारी गवर्नमेंट आएगी हम इतनी स्पीड से उस हॉस्पिटल को बनाएंगे, लोग सोच भी नहीं सकते कि रेवाड़ी के अंदर कितनी स्पीड से हॉस्पिटल बनाया है। हमारी काम हमारी नीयत है, हम काम करना चाहते हैं, हमारी पार्टी काम करना चाहती है। प्रदेश सरकार में बीजेपी ने 5 साल राज किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहें, किस तरह से कोई नई योजना लेकर आए हैं या पुरानी योजना जो कांग्रेस ने चलाई थी उन पर ही काम पूरा? देखिए मेरे से ज़्यादा आपको पता है ना, तो इन्होंने हमारी जो पुरानी योजना थी वो पूरी की, बल्कि इन्होंने ये काम क्या किया, हमारी जो पुरानी योजना थी उनको रोक के प्रदेश का बेड़ा गर्क किया। नई योजना में एक चीज़ मैं 3 सवाल पूछता हूँ इस देश प्रदेश के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि कोई तीन चीज़ वो इस प्रदेश की जनता को बताए कि भी मैंने इस प्रदेश में 3 काम ये अच्छा किए। जहाँ एम्स की बात है, ये मनेठी वाला, ये आज इलेक्शन जुमला है, आप किसान की बात करते हो, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात करते थे, बहुत बड़े बड़े वादे करते थे आपके सामने, बोला कसम राम की खाते हैं मंदिर ही बनाएंगे, वो आपके सामने है। आज बेरोजगारी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे आप, इस बात को आप बताइए। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं हर मंच पर खुली चुनौती देता हूँ कि हमारे को ये बताइए, 2 करोड़ नौकरी की बात छोड़ो, आप 2 लाख नौकरियों की बात बता दो कि 2 लाख नहीं, जहाँ गुमराह करना, नोटबंदी करना, नोटबंदी का सबसे बड़ा स्कैम था, आप ये बताइए, नोटबंदी में आपने कभी कोई अमीर आदमी लाइन में देखा, कोई नेता लाइन में देखा, कोई उद्योगपति लाइन में देखा, कौन मरा इसमें गरीब आदमी मरा है, इसमें नौजवान बेरोजगार हुए हैं, एक एक फैक्ट्री में से जिसमें लाखों आदमी फैक्ट्रियों से बच्चे हमारे निकले हैं, कौन आज देश के अंदर कितने अराजकता का माहौल है, क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रोजगार नहीं है, भूख सबको लगती है। तो कांग्रेस टाइम में हर आदमी तरक्की करती है कि हर आदमी को रोजगार भी मिला, तो उससे लोगों में देखो ये राजनीतिक बात ना करते हुए, पर ये सच्चाई है कि आज देश जिस तरीके से भटक रहा है वो अच्छा नहीं है। आज हमारे देश जो मोदी जी एक चीज़ कहते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है, 1 सिर के बदले 10 सिर लेके आऊँगा, आज हमारे क्या हमारे भाई हमारे जिसके माँ का बेटा गया है, जिस बीवी का घर वाला गया है, जिस बहन का भाई गया है, मोदी जी से कहना चाहूँगा, उनसे पूछे, मोदी जी डिस्कवरी की शूटिंग करता है, देश में 51 लड़के शहीद हो रहे हैं, मैं कहता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए जो हिंदुत्व की बात करता है, देश हित की बात करता है, वो वहाँ जाके डिस्कवरी के उसमें जाके वो शूटिंग करता है। तो ऐसे दुर्भाग्य इस देश का कि इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक कोई आया, वो नरेंद्र मोदी आया,
इसमें कोई विकास नहीं, सिर्फ उसने नाश का काम किया। तो आज की रैली से लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा? मैं आपको एक बात कह दूँ, देखो आपका चैनल बहुत अच्छे तरीके से मैं देखता हूँ, आपके बड़े अच्छे तरीके से आप चल रहे हो। आज की मीटिंग दीपेंद्र हुड्डा जी लेट हुआ वो मेरी गलती नहीं, वो मेरी जनता की गलती नहीं, क्योंकि काम का टाइम है। और आपने देखा, मैं ये नहीं कहता कितनी संख्या दी, मैं आप जानते हो, मेरे से ज़्यादा आपकी नज़र है। पर आज की संख्या से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब जमींदार ट्रैक्टर ट्रली पर उठ के चलता है ना, झंडे लगा के, इतना ओपन झंडे आपने किसी रैली में देखे आज तक? यही जो 4 साल पहले देखे, आज देखे हमारे यहाँ पर पहली बार जो जवान, किसान, गरीब, कोई किसी के पास बाइक थी या किसी के पास ट्रैक्टर था या किसी के पास गाड़ी था, झंडा झंडे के साथ जब निकलता है तो ये बदलाव की निशानी है। और लोगों ने ठान लिया कि आज भी बदलाव का समय आ गया। और 10 तारीख या 12 तारीख अप्रैल में इलेक्शन होंगे, और मेरे जहाँ तक आइडिया है 28 तारीख को शायद विधानसभा भंग कर दे, तो हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं और डट के मुकाबला करेंगे। अगर डट के अच्छी तरह सीट भी जीतेंगे और हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। थैंक यू आप।